माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आयोग ने एक नया फॉर्मेट जारी किया है, वो आपको हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज संवाद में भी जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चल रहे हैं, तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का फॉर्मेट जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्यापन के समय अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा में मेरिट लिस्ट के बाद जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग ने तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो मांगे हैं। और उसके अलावा आयोग के अध्यक्ष जी एस मार्टोलिया के मुताबिक सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए युवाओं से तय फॉर्मेट में ही दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब ये दस्तावेज फॉर्मेट कहाँ है, कैसे मिलेगा, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, जैसे आप UK SSC संवाद करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 13 जनवरी को ये अपडेट आया हुआ है, जहाँ पर फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, संवाद 79 भी इसको बोलते हैं। हालांकि बीच में आयोग ने हटा दिया था अपने वेबसाइट से, लेकिन फिर से इसको जो है अपडेट किया गया है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको इसमें भरना है। ठीक है, ये देखिए ये संवाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट और सेल्फ अटेस्ट करना है, तिरछा साइन कर, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, चयनित पद का नाम और चयनित पद कोड जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर मेन है अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट के विवरण, जो आपने फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट आपने भरे होंगे वही यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लगानी, देख सकते हैं आपका हाई स्कूल, ठीक है, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, जारी होने की तिथि, वैधता तिथि लिखनी है, ठीक है, बाकी संलग्न है या नहीं, वैधता तिथि तो आई थिंक उसमें होती नहीं है, लेकिन जारी होने की तिथि आई थिंक उसमें होती है कि किस डेट को इशू हुआ है करके, ठीक है, बाकी इसमें आप अटैच है या नहीं है वो आपको फोटोकॉपी लगाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, बाकी ओरिजिनल आपको वहाँ पर प्रस्तुत करने हो, ठीक, इस तरह से इंटर का भी है, इस तरह से स्नातक का भी है, प्रथम वर्ग अंक तालिका, द्वितीय अंक तालिका, तृतीय वर्ग, ये स्नातक का है। अगर आपका स्नातक सेमेस्टर वाइज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है, ये उनके लिए है जहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलते थे, ये उनके लिए है जहाँ पर सेमेस्टर वाइज, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें सेमेस्टर वाइज भी हो गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको करनी, बिल्कुल सेम वैसी लिखनी, जारी होने की तिथि, वैधता तिथि, क्योंकि वैधता तिथि तो होती नहीं, जारी होने की तिथि होती है, बहुत सारों में हो सकता है अलग अलग में अलग अलग होता होगा, संलग्न है या नहीं, हाँ या ये आपको लिखना है, ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमा टेक्निक जो भी है, उसके अलावा यहाँ पर स्थायी निवास, ठीक है, उसके अलावा आरक्षण संबंधी अगर आपके पास कोई है, ठीक है, जो भी उपश्रेणी सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकरण जहाँ अनिवार्य हो, और यहाँ आजकल तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें भी आपको दिक्कत आती है, इसीलिए आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही ज़रूरी हो गया, ठीक है, सेवारत, अधिमान है, पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड या फिर वोटर आई डी लगा सकते हैं, कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा यदि लागू हो, अगर इसे कलर की ये सबके लिए है तो यहाँ पर, ठीक है, उसके अलावा टंगलन है तो ठीक है, अन्य अगर कोई डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप आधारित जो शैक्षिक योग्यता है उसी के जो है प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 अलग अलग सॉफ्ट प्रमाणित होने चाहिए, ये फॉर्मेट और के साथ सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 सेट आपको बनाने हैं, तो ये और उसके अलावा मूल अभिलेख जो है यहाँ पर आपको लाने होंगे, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्थान अभिलेख सत्यापन का दिनांक, कितने डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए, हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर, बाकी आप देख सकते हैं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित जो औपबंधिक प्रवेश पत्र ये आपको भी जो है भरना होगा, ये तो ये फॉर्म फॉर्मेट 79 या पीछे कह लीजिए संवाद 79 न्यू आयोग ने जारी किया है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर जाके, अदरवाइज आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।